अमित देवगन को कौन नहीं जानता वो अपनी डिबेट में आने वाले मेहमान को डांट भी देते हैं और कभी कभी उनके मेहमान उन्हें भी डांट देते हैं आज की वीडियो में हम अमित देवगन और उनके परिवार और उनके विवादों समेत इनकी पूरी जन्म कुंडली के बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अमित देवगन एक मशहूर पत्रकार एंकर संपादक है अमित देवगन को कभी कभी हिंदी वाला अर्नब गोस्वामी भी कहते हैं क्योंकि वे अर्नब की तरह ही डिबेट करते हैं बीस वर्षों के अनुभव के साथ अमित हिंदुस्तान टाइम्स और जी मीडिया जैसे जाने माने न्यूज समूह में काम कर चुके हैं अमित अपने डिबेट सो में किसी भी मेहमान को डांट देते हैं जो उनसे अलग विचार प्रकट करता है अगर सामान्य भाषा में कहे तो यहाँ कहा जा सकता है कि अमित बिल्कुल अर्नब गोस्वामी की तरह अपना डिबेट सोचा चलाते हैं तो लेट्स स्टार नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक राजपूत अमित देवगन का जन्म एक मार्च उन्नीस को नई दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम परवेश कुमार देवगन है उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया अमित देवगन की पत्नी का नाम कनिका शर्मा है उनके दो बच्चे हैं अमित देवगन अपने परिवार के साथ नोएडा में रहते हैं अब बात कर लेते हैं अमित देवगन के करियर के बारे में मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा करने के बाद अमित देवगन दो में डेस्क रिपोर्टर के रूप में हिंदुस्तान टाइम्स में शामिल हो गए उसके एक साल बाद वे जी मीडिया में एक बिजनेस रिपोर्टर में शामिल हुए जी ग्रुप ने 2005 में अपना एक्सक्लूसिव बिजनेस चैनल जी बिजनेस शुरू किया था हम की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें प्राइम टाइम एंकर के रूप में चुना गया यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से जी बिजनेस को शानदार सफलता मिली इसको छोटे शहर के हिंदी दर्शक बहुत पसंद करते हैं इसी सफलता के बाद अमित जी बिजनेस में एक प्राइम टाइम के एंकर के टेस्ट से आगे बढ़ते हुए एडिटर एंड चीफ चुने गए इनका प्रोग्राम जी बिजनेस पर शो प्राइम टाइम काफी लोकप्रिय हो गया उस समय बाद अमित बिजनेस न्यूज से दूर हो गए और वर्तमान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा डिबेट शो प्रोग्राम होस्ट करने लगे वे एक बिजनेस चैनल को राजनीतिक चैनल में बदल रहे थे अमित देवगन का लोकप्रिय शो आर पार है उनकी लोकप्रियता सामान्य दर्शकों के बीच भी बढ़ रही थी और जल्दी वे कई हिंदी समाचार चैनलों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक बनने लगे थे 2016 में आई बी सेवन ने उनसे संपर्क किया और एक मुस्त वेतन के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद की पेशकश की इसने ये मौका न गवाते हुए इस प्रस्ताव को ले लिया और पुनर्निर्मित समाचार चैनल जिसका नया नाम न्यूज इंडिया एटीन से जुड़ गए अब अमित देवगन सफलता एक लोकप्रिय शो आर पार को संभाल रहे हैं अमित देवगन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं बात कर लेते हैं इनसे जुड़े विवादों के बारे में पहला है कुरला मस्जिद देवगन के खिलाफ कई एफ हुई है एक शिकायत एक मई दो को मुसलमानों द्वारा कुर्ला मस्जिद में नमाज की पेशकश के झूठे दावों पर दर्ज की गई थी देवगन ने एक फर्जी वीडियो भी दिखाया जिसमें कुरला मस्जिद के पास लोगों के इकट्ठे होने का दावा किया गया दूसरा है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मानहानि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बदनाम करने के लिए एक एफ हुई देवगन ने अपने शो में सूफी संत को लुटेरा चिश्ती बताया था हालांकि देवगन ने सब माफी मांगी और स्पष्ट किया कि वे ऐतिहासिक शख्स अलाउद्दीन खिलजी को एक लुटेरे के रूप में संदर्भित करना चाहते थे और भूल से उनकी जीवान फिसल गई भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देवगन की याचिका को खारिज कर दिया जिससे उन्होंने अपने खिलाफ सभी एफ को रद्द करने की मांग की थी तीसरा राष्ट्रीय टेलीविजन पर दुर्व्यवहार राजीव त्यागी ने न्यूज एटीन इंडिया में लाइव डिबेट शो पर अमित देवगन का अपमान किया जिसके बाद उन्हें अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कई अभद्र टिप्पणी का सामना भी करना पड़ा दोस्तों चौथा है जो अमित देवगन का शो है आर पार पर लोगों ने कई बार प्रतिबंध लगाने का अनुरोध भी किया है अब बात कर लेते हैं इनको मिले पुरस्कार के बारे में अमित देवगन को 2015 में आई एम एफ यंग इमर्जिंग एडिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया इसके बाद अमित देवगन को व्यावसायिक पत्रकारिता के लिए सृष्टि पुरस्कार भी मिल चुका है और 2016 में पावर ब्रांड ट्रेंड सेलेटर अवार्ड से भी अमित देवगन को नवाजा गया था दोस्तों आपको अमित देवगन की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ये थी वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद